नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। कहते हैं इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अंदेशा पहले ही हो गया था। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में जो चुनावी भाषण दिया उसे हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार एच वाई शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन अचानक उन्होंने तैयार आलेख से अलग होकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं। मुझे चिंता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्हें अपने कई साहसिक फैसलों को लेकर याद किया जाता रहा है। अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद इंदिरा ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने देश के इतिहास में कई नए आयाम जोड़े। हालांकि उनका एक फैसला उन्हीं की मौत का कारण भी बना। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। 1984 तक पंजाब के हालात बेकाबू हो गए थे। अकाल तख्त अलगाववादियों का अड्डा बन चुका था। खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के भी पर्याप्त सबूत थे कि भिंडरांवाले बगावत के लिए बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रहा था। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी के थिंक टैंक ने अकाली दल के सामने समझौते का जो अंतिम प्रस्ताव रखा उसे भिंडरांवाले ने नामंजूर कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार मार्क टुली और सतीश जैकब ने 1985 में अपनी बुक अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल में लिखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी आसानी से फैसले लेने वाली महिला नहीं थी। वो कोई भी कदम उठाने में बहुत हिचकिचाती थी। उन्होंने कार्रवाई का फैसला तब किया जब बुरी तरह से घिर गई थी। सेना उनका आखिरी सहारा थी, लिहाजा उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को हरी झंडी दिखा दी। स्वतंत्र भारत में असैनिक संघर्ष के इतिहास में ये सबसे खूनी लड़ाई थी। सिखों का सर्वोच्च स्थल अकाल तख्त तबाह हो गया, जिसे लेकर सिख समुदाय में इंदिरा के प्रति काफी गुस्सा पैदा हो गया था। वो किसी भी कीमत में इस बात का बदला लेना चाहते थे। इस ऑपरेशन के बाद खुफिया एजेंसियों ने इंदिरा को सतर्क रहने को भी कहा, साथ ही ये भी कहा कि वो अपने सुरक्षा घेरे से सिख बॉडीगार्ड्स को भी हटा दें। लेकिन इंदिरा ने खुफिया एजेंसियों की फाइल ये कहकर वापस लौटा दी कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। अपनी हत्या से एक रात पहले इंदिरा गांधी को नींद नहीं आई थी। सामने के कमरे में सो रही सोनिया गांधी जब सुबह 4 बजे अपनी दमे की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गईं, तो इंदिरा उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती हैं कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में गईं और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। नाश्ता करके वो 9:10 पर बाहर निकली। जब इंदिरा गांधी अकबर रोड को जोड़ने वाले एक गेट पर पहुंची तो वो आर के धवन से बात कर रही थी। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर कर दिया। बेअंत सिंह ने अपने पास खड़े सतवंत सिंह से चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कारबाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। आनन फानन में इंदिरा गांधी को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन जब तक गाड़ी अस्पताल पहुंचती तब तक देश ने अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री को खो दिया था। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पहली नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।